पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद पार्टी हिमाचल में जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। आज पार्टी ने शिमला में ऐलान किया है कि हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। हिमाचल के लोगों को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीती है और इसी प्रकार अब हिमाचल में भी आगामी चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि सभी 68 विधानसभा सीटों में संगठन को गठित किया गया है और अगले चुनाव तक विस्तार किया जाएगा। हिमाचल में शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य मुद्दे रहेंगे। अब की बार आम आदमी को जनता चुनेगी क्योंकि अब लोग खास आदमी से परेशान हो चुके हैं। गांधी पार्टी ने देश के इतिहास में पहली बारी काम के ऊपर, सिर्फ काम के ऊपर पंजाब के अंदर इलेक्शन जीता है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अभी तक राजनीतिक मुद्दों पे होती थी, पार्टियों के नाम पर होती थी, पार्टियों के इतिहास पर होती थी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर इलेक्शन लड़ा, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली, पानी, महिलाओं की एम्पावरमेंट के ऊपर, तो लोगों ने काम के ऊपर वोट दिया। दिल्ली जो मॉडल था, दिल्ली के ऊपर जो काम हो रहा था उसको देखते हुए पंजाब की जनता ने 117 में से 92 सीटें दी, जो कि पंजाब के अंदर इतिहास है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। मैं पंजाब का और सभी देशवासियों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इतनी ऐतिहासिक जीत दी हमें। पंजाब के साथ साथ हिमाचल भी जुड़ा हुआ है, हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से टच करता है। अब दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश में हम पूरी दमखम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब के अंदर लोगों के सामने अपना दिल्ली मॉडल पेश किया, अब हम हिमाचल के अंदर दिल्ली मॉडल तो पेश करेंगे। तब तक इलेक्शन होंगे, पंजाब में भी काम होने स्टार्ट हो जाएंगे, पंजाब के भी कामों को सामने रखा जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और एक हिमाचल के अंदर जो काम होने चाहिए थे उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों से बातचीत हो रही है, मैं जैसे सुबह आ गया था तो लोग बता रहे हैं कि भाई हेल्थ केयर की बहुत बुरी हालत है, लोगों को इलाज नहीं होता है, इलाज की बहुत दिक्कत है, एजुकेशन के अंदर भी पिछले बहुत सालों से कुछ खास काम नहीं हुआ है, तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोगों के लिए, लोगों के एस्पिरेशन के लिए, उनकी बातों को समझ के उनको सॉल्व करने के लिए एक आम आदमी की सरकार बनाएंगे यहाँ पर और हिमाचल के जो आम आदमी हैं वही सरकार चलाएंगे। और बिल्कुल पहली बार ऐसा होगा कि हिमाचल के अंदर, अभी तक क्या था, लोग एक बार बीजेपी बनाते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं, उसको वोट ना दे के फिर अगली बार कांग्रेस को दे देते हैं, फिर कांग्रेस से दुखी होकर फिर बीजेपी को दे देते हैं, फिर बीजेपी से दुखी होकर फिर कांग्रेस को दे देते हैं। मतलब एक डॉक्टर के पास गए, उसकी दवाई ठीक नहीं लगी, डॉक्टर ठीक नहीं था जी, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उस डॉक्टर वो भी ठीक नहीं था, फिर पहले वाले के पास चले गए, तो इस बार दोनों डॉक्टर बदलने की ज़रूरत है। इस बार तीसरे डॉक्टर आम आदमी पार्टी के सामने आएगी और मैं मानता हूँ कि इस बारी अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश के अंदर दिल्ली के द्वारा अपना एक नया विजन दिया है वो हम हिमाचल में भी लागू करेंगे। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।